हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है भाई? फुल ऑन सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं ये बता दो। आज हम खूब सारी एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है ब्रांड न्यू चैप्टर, जिसका नाम है भाई ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। बहुत सिंपल, बहुत मजेदार सा चैप्टर है। फटाफट इसको पढ़ेंगे और पूरा चैप्टर डिटेल में समझेंगे, ठीक है? इस वीडियो के बाद ट्रस्ट मी, आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस और क्या चाहिए, चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि जब हम बड़े होते हैं तो एज अ बॉय और एज अ गर्ल हमारी लाइफ में क्या डिफरेंसेस आते हैं और वो कहां कहां पर आते हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो देखो, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेस अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू। तो देखो, इनसे एक लड़का होना या एक लड़की होना इंसान की पर्सनैलिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। सच बात है, हमारी बहुत हद तक पर्सनैलिटी इस पर डिपेंड करती है कि बंदा एक लड़का है या लड़की है, जिसकी वजह से सोसाइटी ने क्या करा है, कुछ ऐसे नॉर्म्स बना दिए हैं, सोसाइटी ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी हैं कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं और लड़कियां तो ऐसे ही होती हैं, लड़के ये चीज़ कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते, और लड़कियां ये कर सकती हैं और ये नहीं कर सकती। बट जिसकी वजह, क्या ये हर जगह सेम है? बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? कैसा है? We will try and answer this question in this chapter. We will also look at how different roles assigned to boys and girls prepare them for their future role as men and women. ये हम इस चैप्टर में जानेंगे क्या ऐसा है कि नहीं। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे क्या जो बचपन में चीज़ें दी जाती हैं बच्चों को खेलने को, लड़के और लड़की को, क्या वो इम्पैक्ट करती है उनके आने वाली फ्यूचर लाइफ पे? Yes or no? ये भी जानेंगे। उसके अलावा वी विल ऑल्सो लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली। क्या जानेंगे? मोस्टली सोसाइटीज मेन और वुमेन की वैल्यू अलग अलग तरीके से करती है, किसी की ज्यादा किसी की कम, और वही देखेंगे कि कहां ज्यादा कहां कम, कैसे। यूजुअली वैल्यूड लेस। देखो, वुमेन, द रोल्स वुमेन प्ले एंड वर्क दे डू आर यूजुअली वैल्यूड लेस देन द रोल्स मेन प्ले एंड द वर्क दे डू। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामिन हाउ इनइक्वालिटीज बिकम बिटवीन मैन एंड वुमेन एमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यार, देखो हमारी सोसाइटी में ना जो काम मर्द करते हैं उसको माना जाता है कि हाँ ये काम है, ये बाहर जाते हैं ये काम करते हैं, और जो लेडीज काम करती हैं अपने घर में घर का, उसको माना जाता है कि यार ये कोई काम थोड़ी है, तो लेस वैल्यूएबल वर्क है। तो ठीक है, इसी के बारे में आज थोड़ा डिटेल में जानेंगे। चलो, तो सबसे पहले एक कहानी है भाई, कि किनकी? ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। तो बात चल रही है कहाँ की? समोआ नाम की जगह की, वो भी तब 1920s के टाइम की, तो थोड़ा पुरानी बात है, ठीक है, अब से कंपेयर नहीं कर सकते। आई नो, शॉर्ट में बताता हूँ बहुत फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो समोअन आइलैंड नाम की एक जगह है, जो कि कहाँ है, लार्ज पैसिफिक, मतलब लार्ज ग्रुप है, कहाँ पे? पैसिफिक ओशन के पास, और आइलैंड्स का ग्रुप है, कहाँ पे? समोअन आइलैंड्स। अब 1920 की बात है, वहाँ पे बच्चों की लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। तो वहाँ पे बच्चों की लाइफ कैसी थी, कि जैसे ही एक बच्चा, मतलब देखो, पैदा होता था, स्कूल वगैरह कुछ नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, मेन उनका टास्क था दैट इज़ फिशिंग। क्या था? फिशिंग। दे लर्न मेनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम देयर ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। क्या थी? फिशिंग थी। Young people therefore learn to undertake long fishing expedition, but they learn these at different points in their childhood. जो बड़े लोग थे, young लोग थे, वो अपनी life में क्या सीखते थे? Fishing सीखते थे, दूर दूर जाते थे fishing करने, but वो अपनी अलग अलग age में सीखते थे। अब ये age का pattern क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत मज़ेदार है। वहाँ का system क्या था? system ये था, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसको किसने पाला? मम्मी ने पाला। उसके जैसे ही वो चलने लगा, क्या चलने लगा, तो देयर मदर्स और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। वहाँ का सिस्टम क्या था? जो बड़े लोग थे, अब वो उस बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे। कौन रखेगा? उसके जो बड़े भाई या बड़ी बहन है, जो कि 5 या 6 साल के ही हैं, बट वो ध्यान रखेंगे। अब ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। अब जैसे ही बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग, अब यहाँ पे कोई लड़का लड़की नहीं, दोनों लड़का और लड़की दोनों अपने छोटे भाई बहनों की केयर करते हैं। बट जैसे ही, बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड, ही ज्वाइंड द एल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। जैसे ही एक बच्चा या लड़का स्पेशली लगभग 9 साल का हो जाता है, तो उसको बाहर के काम जैसे कि फिशिंग और कोकोनट्स पकड़ने लाने पे भेज दिया जाता है। पर लड़कियों को अभी भी वहाँ पे क्या किया जाता है, स्मॉल बच्चे जो है ना, उनकी टेक केयर के लिए छोड़ा जाता है।
बट जैसे ही वो सब टीनेजर्स हो जाते हैं, यानी कि 13 की एज क्रॉस कर जाते हैं, उनके पास काफ़ी फ्रीडम आ जाती है। इस एज के बाद, 14 एज के बाद, गर्ल्स भी फिशिंग ट्रिप पर जा सकती हैं, प्लांटेशन कर सकती हैं, बास्केट्स वीव कर सकती हैं, कुकिंग जो है वो स्पेशल घरों में होती है वहाँ पे, जहाँ पे मोस्टली बॉयज़ काम करते हैं, बट और सपोर्ट वर्क कौन करता है, विमेन करती हैं। तो ये थी समोअन सोसाइटी, जो कि आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमारी 1920s की सोसाइटी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी। अब आपको दिखाएंगे कि हमारी सोसाइटी कैसी थी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। अब स्टोरी है मध्य प्रदेश की 1960 की, यानी कि आज़ादी के लगभग 10 से 15 साल बाद की बात चल रही है ये। अब समझो इस चीज़ को, मध्य प्रदेश में हम छठी क्लास की बात करें, सिक्स्थ क्लास के बच्चों के लिए एक स्कूल था, जहाँ पे बॉयज़ का स्कूल अलग था, गर्ल्स का स्कूल अलग था। द स्कूल, गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइंड वेरी डिफरेंटली, और लड़कियों का जो स्कूल था वो पूरी तरह अलग डिज़ाइन था। कैसे डिज़ाइन था? महल की तरह, कि भाई यहाँ पे बाहर बाहर बिल्डिंग्स हैं, अंदर एक कोर्टयार्ड है, यानी कि आंगन है बड़ा सा, उसमें खेलनी थी लड़कियाँ, बाहर नहीं जाती। वहीं पे नेक्स्ट पेज करते हैं, रुको। वहीं पे जो लड़कों का आपका स्कूल था वो कैसा था? वो ऐसा था, भाई ये स्कूल है, उसके जस्ट पड़ोस में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, बच्चे वहाँ खेलते हैं, बाहर घूम रहे हैं, शाम को खड़े हैं। उसके अलावा जो रोड है, अब स्पेसिफिकली बहुत ध्यान समझना, एज दीज गर्ल्स वॉक डाउन स्ट्रीट दे लुक सो पर्पजफुल, यानी कि जब ये लड़कियाँ रोड पर जाती हैं, दिखता है इनकी शक्ल पर हाँ इनके पास कुछ काम है, इन्हें कहीं जाना है। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज दिस स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग, टू प्ले, टू क्राई आउट देयर, टू ट्राई आउट स्टंट इन देयर बाइसिकल्स। लड़कियों के लिए, अब देखो समझो ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि जो रोड है ना लड़कियों के लिए क्या है, वो सिर्फ एक रास्ता है कि उन्हें घर जाना है और कुछ नहीं, बट लड़कों के लिए वो क्या था, वहाँ खड़े हैं, बातें चल रही हैं, यारी दोस्ती चल रही है, साइकिल से स्टंट मार रहे हैं, और आपने अभी भी देखा होगा स्कूल के बाद ऐसा करते हैं हम लोग, है ना, स्कूल के बाद खड़े हैं, बात कर रहे हैं खड़े खड़े। बट गर्ल्स नेवर डू दिस, स्पेशली अब तो इट्स ओके, बट हम बात कर रहे हैं 1960s की। तो क्या है, ये एक इक्वालिटी का डिफरेंस आ गया ना, इक्वालिटी कहाँ रही। और ऐसा शायद इस वजह से होता था क्योंकि उस समय उनको टीज्ड या फिर अटैक किए जाने का डर होता था। अब इन दो एग्जांपल्स को पढ़ के आई होप आपको अच्छे से ये डिफरेंस जो है समझ में आ गया होगा कि भाई बड़े होते टाइम क्या क्या डिफरेंस आते हैं। दिस इज बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आर ओन एक्सपीरियंस, और ये क्यों है, क्योंकि हमें लगता है जिस एक्सपीरियंस को हमने लिया है वही पूरी दुनिया का है, बट जब हम अपने एल्डर से बात करेंगे तो पता चलेगा कि उनके चाइल्डहुड और हमारे चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, दिस बिगिंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वी आर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद, बॉयज आर यूजली गिवन कार्स टू प्ले एंड गर्ल्स टॉल। देखो ये जो जेंडर इक्वालिटी है ना, ये बचपन से सोसाइटी में शुरू हो जाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बचपन से देखो बच्चों को गिफ्ट में क्या दिया जाता है, कार दी जाएगी या तलवार दी जाएगी, लड़कियों को क्या दिया जाएगा, डॉल, बारबी, एकदम पिंकिश चीज़ें, मतलब ऐसा। ये सब क्या है, ये जेंडर इक्वालिटी किसने क्रिएट करी है, इसी सोसाइटी ने क्रिएट करी है। जबकि दोनों ही टॉयज खेलने में बहुत बढ़िया हैं, दोनों टॉयज में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि लड़के तो हैं थोड़े कैसे हैं, सख्त होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और वो इसी से खेलते हैं। लड़कियां क्या है, नहीं नहीं वो तो सॉफ्ट होती हैं, बाहर ज़्यादा खेलेंगी नहीं, गाड़ी वाड़ी चलाएंगी नहीं, तो उन्हें क्यों देना। ये चीज़ जो है ये डिफरेंस लेके आती है। ऑल दीज आर वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मेन एंड वुमेन। और स्टार्टिंग में जो हमने सवाल देखा था, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, येस इट इज़ वेरी इंपैक्टफुल। जब आप बचपन में गाड़ी से खेलते हो तो एक बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि हाँ मुझे बड़े होकर गाड़ी चलानी है, पर जब एक लड़की बचपन में गुड़िया के सिर्फ बाल काटती है तो इनडायरेक्टली उसके दिमाग में क्या जाता है, हाँ मुझे बड़े होकर क्या करना है, बच्चों के बाल काटने, अपने बच्चों की टेक केयर करनी है। तो ये सिस्टम चला आ रहा था, ये हमारी हिस्ट्री है। ये मत सोचना कि आज है, आज चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, बट बात कर रहे हैं हम थोड़ा पहले की। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आर ओन, रोल्स मेन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। मैन एंड वुमन डू नॉट हैव सेम स्टेटस, एंड दिस इज वेरी रियल। आज के टाइम, इवन आज के टाइम पे भी कई जगह ऐसा है कि जहाँ मैन और वुमेन के रोल को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। ऐसा लगता है मैन ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वुमेन को कम पैसे मिलते हैं। और इसके लिए चलो एक फटाफट बढ़िया सी कहानी देखते हैं, कहानी समझ में आएगा। कहानी बहुत बढ़िया है और आपको भी शायद समझनी चाहिए ये कहानी, माई मदर डज नॉट वर्क की। तो देखो एक बार एक लड़की है, वो अपनी मम्मी से क्या बोलती है, मम्मी से बोलती है, मम्मी मेरे स्कूल में ना हम लोग कहीं कहीं जा रहे हैं घूमने उमने, तो हमें एक वॉलंटियर की ज़रूरत है मैम के साथ, तो आप एक कुछ दिन छुट्टी ले लो ऑफिस से, प्लीज़ आप चलो।
और उसके बाद वो कहती है हरमीत है मेरा दोस्त, मेरा भाई मतलब मित्र है मेरा हरमीत, उसकी मम्मी हमेशा आती हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती। ये सुन के उसकी मम्मी बड़े टेंट मतलब सोचती हैं कि कुछ काम नहीं करती। अच्छा वो पूछती है सोनाली तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम्हें पता है ना हरप्रीत की मम्मी रोज़ सुबह 5 बजे उठती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, सारा घर का काम करती हैं, और तुम कह रही हो कि वो कुछ काम नहीं करती। तो वो लड़की कहती है अरे बट वो कोई असली काम थोड़ी है, वो तो बस घर का काम है। तो उसकी मम्मी कहती हैं अच्छा तो तुम्हें ये लगता है, तो चलो एक काम करते हैं आज हम हरमीत जो आंटी जसप्रीत आंटी हैं उनसे जाके पूछ ही लेते हैं कि वो क्या काम करती हैं। तो ये सब पहुंच जाते हैं उनके अपने दोस्त के घर। हर्षरण, हर्षरण कौन है, जो कि आपका जो फ्रेंड है लड़की का, कौन है फ्रेंड का नाम क्या था, हरमीत, हरमीत के पापा का नाम है हर्षरण, ये बैठे हैं सरदार जी। तो ये बोलते हैं कि हर्षरण सोनाली को लगता है जो तुम्हारी छोटी बह मतलब जो मेरी छोटी बेटी है जो लड़की, अब ये मम्मी बोल रही हैं किससे, अंकल जी से बोलती हैं कि सोनाली को इसको लगता है कि तुम्हारी जो वाइफ है यानी कि हरमीत की मम्मी ये कोई काम नहीं करती। तो हरमीत भाई वहाँ बैठे थे, वो क्या बोलते हैं वैसे बात तो ठीक है मेरी मम्मी कहाँ कुछ काम करती है, वो तो बस हाउस वाइफ है, वो वह काम नहीं करती। तो उसके बाद वो जो लेडी वहाँ आई है सोनाली की मम्मी, वो जाके उसको क्या बोलती हैं जसप्रीत को कि एक काम करो तुम कल एक दिन की सिर्फ छुट्टी ले लो और देखो सब कुछ कैसे मैनेज होता है। और जो मम्मी है वो कहती हैं अरे ठीक है चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो बच्चे जो थे दोनों क्या कहते हैं ठीक है ये तो मज़ेदार चीज़ है, कल तो हम मस्त करेंगे पापा के साथ मज़ा आ जाएगा, ये सोचते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, अगले दिन सुबह 7:30 बजे जब बच्चे उठते हैं तो पापा की हालत डाउन, पापा कहते हैं ओ तेरी ये टाइम देखो खाना कहाँ है नाश्ता कहाँ है बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए। कहती है मुझे थोड़ी मेरी तो छुट्टी आज मैं तो स्ट्राइक पे हूँ। एकदम से बस भी आ जाती है, पापा कहते हैं ओ तेरी बस भी आ गई अब क्या, अब तो इनको गाड़ी में छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों को जाके देखते तो बच्चे तैयार ही नहीं है, जल्दी करो हरमीत भाई और पंप ऑफ करो टंकी बंद करो दुनिया भर के काम, बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे थे, बच्चे सोए पड़े थे मस्त अपना। अब वो जा रहे हैं लेके स्कूल, मम्मी पूछती हैं अच्छा इनका टिफिन कहाँ है, पापा कहते हैं अरे टिफिन तो मैं भूल गया चलो कोई नहीं मैं इनको पैसे दे दूंगा कुछ खा लेंगे। बच्चे कहते हैं वो तो मम्मी ने दे दिए चलो कोई नहीं। शाम को थके हारे पापा जी घर पहुंचते हैं, पहुंच ही रहे थे कि तभी पापा पहुंचते हैं बोलते हैं यार चाय पिला दो बहुत थक गए हैं। मम्मी कहती है मैं तो छुट्टी पे हूँ, कहते हैं अरे हाँ यार तुम्हारी छुट्टी चलो ठीक है मैं खुद कुछ बनाता हूँ। घर देखते हैं तो घर की तो हालत भुजाल आ गया होता है, बोलते हैं ऐसा लग रहा है घर में भुजाल आ गया हुआ क्या ये। तो मम्मी कहते हैं तुम्हें क्या लग रहा था जैसा तुम सुबह छोड़ के गए थे ये वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है बच्चे के ये बच्चे देखो क्या करते हैं। और उसके बाद पापा चिल्लाते हैं अरे ये चाय पत्ती कहाँ रखी है, तो मम्मी सोचते हैं हाँ हाँ मैं सोच भी नहीं सकता मतलब अब इन्हें पता चलेगा कि मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ। और सोचो जब इन्हें पता चलेगा कि शाम को चाची चाचा जी आ रहे हैं तब कौन करेगा इतना काम, तब पता चलेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हरमीत की फैमिली जो है उनको नहीं लगता था कि जसप्रीत जो है वो कोई रियल वर्क करती है, और ये फीलिंग कोई यूनिक नहीं है, ये इंडिया की कई सारी फैमिलीज़ में आती है। और अक्रॉस द वर्ल्ड जो केयर गिविंग और हाउस वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो वुमेन को दी जाती है, बच्चे पालने की, बीमार हो गया कोई उसकी केयर करने की, और स्टिल इस काम को ऐसे देखा जाता है जैसे ये बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इसको डी वैल्यू किया जाता है। क्या किया जाता है, डी वैल्यू, ये वर्ड याद रखना ठीक है। चलो अब बात करते हैं लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स की। देखो इंडिया के मोस्टली घरों में, इवन अबव जो कहानी आपने पढ़ी हरमीत की मदर वाली, उसमें भी जो हाउस वर्क है ना वो कोई अकेले नहीं करती मम्मियाँ, नॉर्मली मोस्टली घरों में वहाँ पे कौन आती है, कोई एक मेड आता है, एक हाउस वर्कर आता है। जब पे यहाँ पे हम कहानी पढ़ रहे हैं मंगला, मंगला की ये मेलानी है ठीक है, ये अपनी बच्ची के साथ खड़ी है, फोटो है, इस तरीके की हाउस वर्कर्स काफ़ी घरों में आती हैं, मोस्टली ये लेडी होती हैं, बट कुछ कुछ घरों में यंग बच्चों को भी रखा जाता है इस काम के लिए। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन, इंडिया की ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर कौन है, वुमेन है भाई। इनसे क्या क्या काम, खाना, बर्तन, घर की सफाई, चीज़ों को केयर करना, बंदों की केयर करना, बच्चों की, बूढ़ों की, हर काम के लिए इंडिया में वर्कर्स को रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम दी जाती है, इनके काम को वैल्यू नहीं दी जाती उतनी, और इनका जो काम है सोचो लगभग सुबह 5 बजे से शुरू हो सकता है और कई कई जगह तो रात के 12 बजे तक चलता है, और इतने हार्ड वर्क के बाद भी इनको सैलरी बहुत कम दी जाती है, रिस्पेक्ट तो दी ही नहीं जाती है। और ये मालिनी नाम की एक बंदी है, उसकी कहानी सुनो उसने क्या बताया। तो वो दिल्ली में जब आई जॉब करने तो उसकी पहली जॉब लगी दिल्ली की एक बड़े रिच फैमिली में जिनका 3 मंजिल का मकान था दिल्ली में। अब मेम साहब जो थी ना वो भाई बहुत स्ट्रिक्ट थी, हर चीज़ के लिए चिल्लाती रहती थी,
बेसिक छोटे छोटे कामों के लिए भी वो चिल्लाती थी। तो मालिनी का मेलनी जो थी, इनका काम था किचन में। तो बेचारी, इनका क्या फिक्स था, सुबह 5 बजे इनका दिन स्टार्ट होता था और नाश्ते के लिए इन्हें पता क्या मिलता था, एक चाय, दो रोटी सूखी बस, और तीसरी रोटी इन्हें अलाउड नहीं थी। और शाम को पूरा थक जाने के बाद, जो मालिनी के साथ दो लड़कियां किचन में और भी काम करती थी, सोचो 3 वर्कर थी एक घर में, वो बेचारी शाम को तीसरी, दो रोटी मिलती थी सुबह शाम, तो तीसरी रोटी मांगती थी। तो बेचारी पता है, क्योंकि मेम साहब डांटेगी, चुप चुप के उनके लिए एक्स्ट्रा रोटी बनाती थी और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा रोटी रख लेती थी। क्यों? क्योंकि पूरे दिन काम करने के बाद बंदा इतना थक गया है, क्या 3 रोटी भी नहीं खा सकता? सोच के देखो, आप इतने छोटे हो, अभी आप 3-4 रोटी खा जाते हो, तो वो तो इतनी बड़ी दिन भर काम करती हैं। और ना केवल ये, इसके अलावा वो कितना हैवी लोड उठाना, सामान इधर से उधर, बर्तन धोना, थकान होती है ना, होती है कि नहीं? उसके अलावा क्या मिलता है इसके बाद? ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, मजाक, और मतलब उनके साथ बहुत डिसरिस्पेक्ट ट्रीट करा जाता है ना। इनफैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट टास्क। और जो मैंने अभी बोला, जिसको हम हाउस वर्क कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टास्क आते हैं, और जो कि भारी भारी, पानी ले जाना, लकड़ी ले जाना, गांव में तो बहुत भारी भारी टास्क ये लेडीज कर लेती हैं अकेले, कपड़े धोना, क्लीनिंग, सफाई, झाड़ू पोछा, इसमें बेंडिंग, लिफ्टिंग, कैरिंग, तीनों, यानी कि झुकना, पीठ दर्द होती है, लिफ्टिंग, सामान उठाना, इसमें क्या थक, बॉडी थकती है, और कैरिंग, किसी को लाद के ले जाना, ये सारे तरीके के काम होते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इनफैक्ट इफ वी ऐड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच लेस, मच मोर टाइम वर्किंग देन मेन हैव मच लेस टाइम फॉर प्लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एक जनरल ट्रेंड देखोगे ना कि कौन ज़्यादा काम करता है, तो वर्किंग आवर्स अगर वीकली यहाँ पे देखो, इस चार्ट से समझ में आएगा, मेन के बहुत कम होते हैं और वुमेन के बहुत ज़्यादा होते हैं। एक वुमेन है जो जॉब करती है, तो हफ्ते में 30 घंटे वो जॉब पे जाती है, और उसके अलावा वो घर पे कितनी देर काम करती है, हफ्ते भर में 23 घंटे, टोटल कितना हुआ सोच के देखो, 53। वहीं पे एक मैन है जो जॉब करता है 38 घंटे तो वीक में, और घर पे कितना करता है, 2 घंटे, टोटल कितना हुआ, मात्र 40। किसका ज़्यादा हुआ तुम बता दो, समझ में आया? तो यही चीज़ समझा रहे हैं। वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी की बात करते हैं। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग, वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। अब हमको ये चीज़ जब समझ में आ गई है, तो हमें ये समझना होगा कि जो घर का काम है ना, ये किसी एक सिंगल बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, करेक्ट, ये क्या है, एक लार्जर सिस्टम का पार्ट है, और ये इनइक्वालिटी को बहुत बढ़ावा देता है शुरुआत से, बेस, ग्रास रूट लेवल से। इट इज़ देयरफोर हैज़ टू बी डील्ड विद एक्शन, इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए एक्शन की जरूरत थी, जो किसने लिए, सरकार ने लिए। जैसे कि हम जानते हैं इक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको इस चीज़ पे कि आप मेल हो या फीमेल पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता, अगर किया जाएगा तो आप जेल जा सकते हो इस चीज़ के बेस पर अगर आपने किया तो। बट फिर भी इतने लॉज के बाद भी हम सब जानते हैं हमारे देश में ये इनइक्वालिटी, मतलब किसके बेस, जेंडर के बेसिस पे आज भी एग्जिस्ट करती है, और गवर्नमेंट लगी हुई है, गवर्नमेंट अपने जितने भी वो कोशिश कर सकती है अलग अलग चीज़ों के थ्रू, चाहे वुमेन्स रिजर्वेशन, वुमेन सेफ्टी, अलग अलग चीज़ों के थ्रू वुमेन्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश चल रही है। और आज के टाइम पे आप देखो 2023 में ऑलमोस्ट इक्वल स्टेटस हम अचीव कर चुके हैं, ऑलमोस्ट, जो बचा है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको चैप्टर में पढ़नी है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ आंगनवाड़ीज। अब देखो, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब, पहले वुमेन्स का स्टेटस नीचे क्यों था, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाती थी। उसके बाद चलो ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर बच्चे हो गए, तो बच्चे को कौन पालेगा, तो फिर गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट कंपलसरी करा दो चीज़ों का, गांव में आंगनवाड़ी, जहाँ पे बच्चे केयर की जाती है और जो वाइफ है वो भाई जाके पढ़ सकती है, जॉब कर सकती है, या फिर उसके अलावा क्रेच का सिस्टम। क्रेच क्या होता है, यानी कि वर्किंग वुमेन्स, शहरों में क्या होता है, आप क्रेच में जाके अपना बेबी रख सकते हो, वो बेबी को कोई टेक केयर करेगा, शाम को आप जाके अपने बेबी को वापस रिसीव कर लो। तो वर्किंग वुमेन्स आजकल ये बहुत यूज़ करती हैं, क्यों, क्योंकि भाई इसकी नीड बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखी हैं, और ये चीज़ें सारे स्कूल्स में हर जगह हो रही हैं, जिससे स्कूल्स ज़्यादा वुमेन अटेंड कर पाएँ, जॉब ज़्यादा वुमेन कर पाएँ। समझ में आ रहा है? चलो, और बस इसी के साथ ये चैप्टर आई थिंक होता है समाप्त। ये सारे क्वेश्चन अब आप आराम से आंसर कर पाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मज़ेदार लगी है, तो क्या कर रहे हो, फटाक से कर दो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। और हाँ,
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप कोई भी सवाल, डिस्क्रिप्शन और मतलब सवाल जवाब डिस्कशन सब होते हैं। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।